गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। और हम आज बनाने जा रहे हैं होममेड पास्ता और देसी पास्ता। देखिए ये तेल डाल दिया गया है कढ़ाई में, इसमें हरी मिर्ची डाल दी गई है और प्याज है, टमाटर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। और ये देखिए कैबेज है, ये पास्ता उबला रखा हुआ है हमारा, ये गार्लिक पेस्ट है और ये पास्ता मसाला है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसकी मेकिंग दिखाते हैं, बिल्कुल हमारी मिर्ची जो है बन रही है और पास्ता हमारा उबला रखा है। इसको सिंपल बॉइल्ड वाटर में डाल के थोड़ा सा नमक और पास्ता उबाल लिया गया है। प्याज डालने जाना, प्याज पीनने के बाद फिर टमाटर डालना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूना जाएगा, उसके बाद इसमें टमाटर और मसाला डाला जाएगा, फिर पास्ता। धीरे धीरे प्याज ने अब कलर पकड़ लिया है, अब इसमें डाला है गार्लिक पेस्ट और इसमें अब गार्लिक पेस्ट भी पड़ चुका है। तो अब इसमें थोड़ी सी हल्दी जा रही है, बिल्कुल हल्की सी। प्याज ने अपना रंग पूरा चेंज कर दिया है, ये गोल्डन ब्राउन कलर का होने लगा है। और अब इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी चुटकी बस हींग डाल रहे थे देसी टच देने के लिए। तो अभी अब इस पर टमाटर डाल रहे हैं, हमारा प्याज लगभग रेडी हो चुका है और टमाटर डालने के बाद इसको भी और भूनेंगे। टमाटर थोड़ा गल जाएगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का गल जाएगा। इसके बाद फिर कैबेज डालनी जाएगी। दिखाते हैं आपको, इसी समय थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। हमने जो है पास्ता मुझे अपना नमक डाल दिया था थोड़ा सा, तो अपने हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से आप उसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो हमारा टमाटर गल गया है और इसमें पास्ता मसाला डाला जा रहा है, तो तेज छोड़ दिया है और उस पास्ता मसाला ऐड किया जा चुका है। और अब इसमें कैबेज डाली जा रही है, कैबेज को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इसको हल्का सा मसालों और नमक को सेपरेट देना है और हल्का सा नरम कैसे ही इसमें चीज़ें आप हम पास्ता डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपना सब्जी मसाला भी डाला जा रहा है, इसका कलर और कुछ चटपटा देसी स्वाद देने। और उसमें पास्ता डाल दिया गया है ना, डाली सी वो कैबेज जो है हम नमकीन सी नरम पड़ गई है, यानी कि गल गई है। और इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, इससे इसमें पास्ता डाल दिया गया है। और इतना पास्ता लगभग तैयार होने जा रहा है और भी टेस्ट लेंगे और बताइए कैसा था। अब हम इसमें जो है थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रहे हैं और ऑरिगानो मिक्स सब डाल रही थी, एलियन का लेडीज इन्फेक्शन हमने ऑरिगानो डाला और देसी टिक्कन अपनी देसी मसाले और पास्ता मसाला साथ में। अभी से नूडल पानी आने लगा है क्योंकि ये पास्ता लगभग हमारा रेडी होने के स्टेज पे आ चुका है और जैसे ही रेडी होता है बस आपके खान। तो जी हमारा ये पास्ता गर्मा गर्म धुएँदार पास्ता तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त पास्ता बना है, धुएँदार बिल्कुल सिंपल है। आप भी बनाए घर पे, खूब बनाइए, लोगों को खिलाइए, ज़्यादा बनाइए, अच्छा बनाइए और सिंपल रेसिपी, नो रॉकेट साइंस, आप जब चाहें बनाकर खा सकते हैं। और इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त हुआ है और आपको वीडियो ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एंड कमेंट।